दुर्ग शहर विधायक एवं वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा ने अपने स्वेच्छानुदान राशि से 8,75,000 रुपए की अनुदान राशि 170 लोगों के मध्य वितरित की है। दुर्ग शहर विधायक द्वारा बांटे गए अनुदान राशि पर आपत्ति दर्ज करते हुए दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने आरोप लगाया है कि विधायक अरुण वोरा ने जिन लोगों को अनुदान राशि का वितरण किया है उनमें अधिकांश लोग पूर्व पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता है। विधायक ने अपने लोगों को उपकृत किया लेकिन उन्हें दुर्ग शहर की गरीब जरूरतमंद जनता नहीं दिखी जो अनुदान की वास्तविक हकदार है। KS चौहान ने विधायक स्वेच्छानुदान की राशि को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। स्वेच्छा अनुदान की राशि 8,75,000 रुपए श्री अरुण वोरा जी ने बांटी और उसकी सूची में 170 लगभग 170 लोग थे। वो उनमें सूची में पूर्व पार्षद कांग्रेसी कार्यकर्ता अधिकतर वो हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं क्या दुर्ग में ऐसा कोई जरूरतमंद इंसान नहीं दिखा उनको, ऐसे कोई लाचार इंसान नहीं दिखा उनको कि जो कोरोना काल के बाद जो बहुत ज्यादा मोहताज है पैसे के लिए, जिसको थोड़ी सी राशि के लिए बहुत ज्यादा राहत मिल जाती। ये तो ये हुआ थे कि हकदार है तरसा थे और ना हकदार है बरसा थे, इसने इसने करके ये राशि दे गए जो कि बिल्कुल ही न्यायोचित है। आपका हक है उसको आप दुरुपयोग कर रहे हैं और आप अपने दायित्व को तो निभा ही नहीं रहे, लेकिन कम से कम दूसरों का हक तो मत मारिए।